प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में साल भर की उपलब्धियों को बताया और उन्होंने कहा कि देश में अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। 2022 ने नई रफ्तार पकड़ी और सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं को याद करने का दिन है। और इसके साथ ही पीएम ने कोरोना के बारे में भी कहा कि चीन में कोरोना से हर दिन हजारों मौतें हो रही हैं। पीएम मोदी ने लोगों से महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है।